सब्सक्राइब कीजिए रिजी हेयर सॉल्यूशन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। हेलो गाइस, हाय आमिर अफजल फ्रॉम श्रीनगर। मैं आज फिर आया हूँ रिज भाई के पास। अपना एक फ्रेंड है उसको साथ लेके, उनको भी पैच लगवानी थी और मैंने तो 11 महीने पहले लगवाई थी यहाँ से, और अब 11 महीने के बाद आप देख सकते हो मेरा मेंटेनेंस कैसा है और मैंने कैसे किस तरह से अपने टेनिस रखे हैं अपने बाल। और अब आज मैंने ये सर्विस बताता हूँ कि कैसे खुद आप सर्विस कर सकते हो घर में, और देखो आप भी सर्विस कैसे करते हैं, कैसे बाल धोए जाते हैं और किस तरह से मेंटेन किया जाता है बालों को। देखो भाई, ये मैं अपनी विग जो है धोने जा रहा हूँ, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। एक मग में पानी लेके फिर उसके बाद इसको बीच में डिप करना है अच्छी सारा, जब ये थोड़ी सी नरम हो जाए और घुल जाए बीच में, फिर उसके बाद ऐसे करके उल्टा कर देना इसको, ठीक है गाइस। तो उल्टा करने के बाद फिर आप ये शैम्पू लेके इसको आराम से एक दो बूंद डाल के फिर इसको अच्छी तरह हिलाना है। ये जब झाग अच्छी सी बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बीच में डिप करके अच्छी तरह धोना है। देखो यार, आपको दिख रही होगी कितनी झाग बन चुकी है, तो अब इसको आप आराम से डिप करके, और ये भी नहीं कि ज्यादा इसको कोई रगड़ना है, ऐसी बात नहीं है, सिंपल तरीके से आपने धोना है। तो दो तीन बार ऐसे करके ताकि इसमें घुल जाए अच्छे से। अब ये पानी मैंने इससे अच्छे से धो दिए, ये अच्छे से धुल गई है, ये पानी निकाल दिया आपने। अगर किसी कंटेनर में लेते हो पानी वो फिर चला जाता। अब इसको सिंपल पानी से धो सकते हो आराम से, और ये धोनी भी है उल्टा करके, यानी कि सीधा करके आप इसको अगर धोगे तो ये जून सा बन जाएगा। ये मैंने धो के यहाँ पे रख दी है, तो अब मैंने क्या करना कि इसको कंडीशनर जो है ये बहुत मस्त होता है इसके लिए। कंडीशनर से ये होता है कि बाल जो है वो सिल्की हो जाते हैं, और इतना सा कंडीशनर डाल के थोड़ा सा पानी में, बिल्कुल थोड़े से पानी में ये डाल दिए कंडीशनर। अब इसको थोड़ा सा घोल देना पानी में, अब इसको इसके बीच में डिप करना। कंडीशनर जो है ये मस्त होता है क्योंकि बाल जो है वो सिल्की रहते हैं इससे, कंडीशनर से धोने के बाद जो है एक बार कंडीशनर इसको अच्छी तरह कर ले। अब इसको फिर मैं कंडीशन के बाद अब इसको मैं धोने जा रहा हूँ दोबारा से, कंडीशन वो निकल जाए, जॉब जो खत्म हो जाए। अच्छे से धुल भी गई, और उसके बाद इसको मैंने कंडीशन में डाल के बिल्कुल सिल्की सिल्की बात हो गई। वैसे अब ये टॉवल लाया मैंने, और इससे टॉवल के बीच में इसको ऐसे फोल्ड करके, और ताकि ये इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से थोड़ा ऐसे ऐसे करना ताकि ये सूख जाए अच्छी तरह से। देख लो, ये टॉवल के जरिए मैं इसको बड़े अच्छी तरह सुखा रहा हूँ, और ये ऐसे आराम से इसको सुखाना है और ज़्यादा रब नहीं करना, अगर रब किया तो उसे बाल उलझ जाएंगे, फिर वो
और जहाँ जहाँ जिस एरिया में आपने टेप लगवानी है तो उसको अच्छी तरह सुखा के फिर क्या करना है कि आप टेप लगा सकते हैं। तो टेप लगाने जा रहा हूँ, ये इसको ऐसे टेप को खोला और इस तरफ से भी खोल के अब इसको ज़्यादा भी हाथ में उसी तरह से पकड़नी है ताकि ये उलझ ना जाए और बड़े तरीके के साथ इसको आराम से आप लगाएं। ये तो कोई मैं बड़े तरीके से लगवाई है, ये हमारी टेप अब लग चुकी है। भाईजान ये मैंने क्लिप सिस्टम लगवाया हुआ है, तो अगर आप क्लिप सिस्टम ना लगवाएं तो आप यहाँ पे टेप लगा सकते हो, इस तरफ भी थोड़ी थोड़ी टेप यहाँ पे और यहाँ पे फिर उसके ऊपर आप ग्लू भी लगा सकते हो। तो ग्लू लगा के आप बड़े आराम से चिपका सकते हो। अब भाई मैं ये रिमूव कर रहा हूँ टेप का ऊपर वाला हिस्सा जो है, ताकि ये मेरे सर पे चिपक सके। मैं रिमूव कर रहा हूँ अब जो लगी हुई जो मैंने टेप लगाई है, ये मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। ये देखो ये अच्छे से मैंने टेप रिमूव कर, ये मैंने अच्छे से धो के अब इसके बाद इसके ऊपर टेप भी कर दी। टेप करने के बाद अब मैंने इसको चिपकाना है अपने सर पे और बड़े अच्छे से मैंने सर शर्ट को धो के अब इसको ये रखना कि यहाँ पे फोर हेड के ऊपर आपने इतना सा फर्क, चार उंगली का फर्क रखे और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि बड़े आराम से ऐसे फोर हेड की तरफ और मिरर की तरफ देखते हुए ये फोर हेड पे रखना है। अब मेरे को तो क्लिप है, क्लिप जो है ये खोलने पड़ेंगे, क्लिप खोल के अगर जिसको टेप है वो तो कर देगा टेप से, लेकिन मुझे क्लिप है ये क्लिप खोल के और उसके बाद मैं इसको ये फोर हेड के ऊपर अच्छे से चिपका रहा हूँ। ये आप देख सकते हो ये मैंने चिपका दी फोर हेड के ऊपर। अब ये अच्छे से मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बैक पुशअप करूँगा ये की, और अब मेरे जो ये क्लिप है इनको मैं बिठा रहा हूँ, बड़ा अच्छे से बंद कर रहा हूँ। अब देख सकते हो ये इस तरफ से बंद किया और दूसरी तरफ से भी मैं इसको ये बंद कर रहा हूँ। बंद करके अब आहिस्ता आहिस्ता रहा बैक वाला जो, उसको भी मैं इसी तरह ये बैक तक पहुँच गई। अब इसको जो बैक वाला वो भी ये मैंने बंद कर दिया। अब देखो ये पूरे तरीके से फोर हेड के ऊपर अच्छे से आ गई, कर लिया और चिपक किया। अब मैंने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह सुखाना है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक कॉम ले लिया और ये ड्रायर लिया और ड्रायर की मदद से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता सुखाऊंगा। विद हेल्प ऑफ ड्रायर ये बड़े अच्छी और आसानी से सूख जाते हैं। अच्छी तरह बाल सुखा के और फिर किस तरह से आप देख रहे हो टेप कैसे की, और उसके बाद आप देख सकते हो मुझे कि कितने अच्छे से बाल मेरे फोर गए। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 11 महीने पहले की आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे लिंक जो है रिजू भाई का वो देख सकते हो, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन है। 11 महीने पहले यहीं पे आया था और मैंने वीक लगवाई थी और आज फिर यहाँ पे आया हूँ और इनसे थोड़ा खुद मैंने बालों को सेट करवाया और अच्छी तरह से। अब मैं अपने फ्रेंड फैसल भाई उनको साथ लेके आया था, आप देख सकते हो इनको, ये हमारे फैसल भाई हैं और इन्होंने आज लगवाई है वीक, यही पैच लगवाया है जिसको आप वीक भी बोलते हैं। तो देख सकते हो आप इनकी कैसी लुक लग रही है। हाँ फैसल भाई आप बताएं कैसा आपको फील हो रहा है आपने वीक लगवाई है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इससे पहले जब यहाँ पे आया था मुझे बड़ा अपने आप पे एक थोड़ा सा दुख फील हो रहा था, मतलब मैं यहाँ से बहुत ही अच्छा और खुशी फील करके यहाँ से निकल। चलो थैंक यू रिजी भाई, बहुत थैंक यू सो मच। इसके पहले आया था बिफोर की लुक में ये थी, आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज कर लेंगे आप, ये मेरी पहले की लुक है और अब आप देख सकते हैं कि मैं कैसा बन रहा हूँ। पहले मेरे सर पे टोटली बाल नहीं थे और अब आप रिजी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि हमें अच्छी न्यू लुक दी। थैंक यू
हम आपको यही करेंगे कि आप यहाँ पे आए रिजू भाई के साथ, अगर जिसको भी कोई कंडीशन हो ऐसी, बाल झड़ रहे हों, कुछ लोग ये कहते हैं कि विग लगाने से बिल्कुल बाल चले जाते हैं, आप देख सकते हो 11 महीने के बाद मेरे जो नीचे वाले बाल वो भी अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं और ऊपर भी आप देख सकते हो, जितना मेंटेनेंस रखोगे उतना आपका पैच जो है वो अच्छे से चलेगा। थैंक यू।